बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सपने में अगर गणपति की ऐसी तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि हर एक काम में आपको सफलता मिलने वाली है। आइए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि रात में सोते हुए अक्सर कई सपने हम देखते हैं। इनमें से कुछ सपने में हमें याद रह जाते हैं और बाकी को हम भूल जाते हैं। नींद में देखे जाने वाले इन सपनों का कोई ना कोई अर्थ होता है। हालांकि जानकारी के अभाव की वजह से हम यही सोचते रह जाते हैं कि जो सपना हमने देखा है क्या उसका अर्थ बेहतर हो सकता है या बुरा हो सकता है। सपने अच्छे भी होते हैं, सपने बुरे भी होते हैं। हमें नहीं पता होता कि सपनों का अर्थ, स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक अर्थ होता है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। अगर किसी चीज़ को सपने में आप देख लेते हैं तो वह हमेशा दिमाग में घूमती रहती है कि आखिर इसका अर्थ क्या है। भगवान गणेश का सपना दिखना शुभ। हम में से कई लोग सपने में अक्सर देवी देवताओं को देखते हैं। सपने में देवी देवताओं का दिखना शुभ होता है। ये धर्म के प्रति अपनी भावनाओं को दर्शाता है, यह आपकी भावनाओं को दर्शाता है। सपने में अगर भगवान गणेश की प्रसन्न मुद्रा में मूर्ति दिखे या गणेश जी प्रसन्न मुद्रा में दिखे तो समझ लीजिए कि लंबे समय से आपके जीवन में बनी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में साक्षात गणपति के दर्शन से कई संभावनाएं बनती हैं। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका भविष्य उज्जवल है। अगर भगवान गणपति आपको आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में दिखें तो इसका अर्थ है कि कोई जो आपकी बाधा है, जो कार्यों में बाधा है, उससे आपको राहत मिलने वाली है। मतलब आशीर्वाद देती हुई मुद्रा लाभकारी है। प्रतियोगी परीक्षा में मिलती है सफलता अगर आप ऐसा गणेश जी की स्वरूप को स्वप्न में देखते हैं तो। कई बार हम अपने सपने में भगवान गणेश को किसी मंदिर में विराजित देखते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर सपने में गणपति मूषक यानी चूहे पे बैठे हुए दिखाई दें तो इससे बिजनेस में आ रही परेशानियों के दूर होने का यह शुभ संकेत माना जाता है। खंडित मूर्ति देखकर सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा देखते हैं तो सतर्क हो जाए। अगर आपको सपने में भगवान गणेश की खंडित मूर्ति दिखे तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। यह निकट भविष्य में किसी गंभीर समस्या से घिर जाने का संकेत होता है। अगर सपने में भगवान गणेश की पीठ के दर्शन होते हैं तो आपको धन संबंधित परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप गणपति की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं, आप अनुकूलता ले सकते हैं। अगर आपको गणपति की आराधना करनी है, अभ्यर्चना करती हैं, उनका लाभ लेना है या गणेश जी जो है, गणेश जी आपके स्वप्न में अगर नकारात्मक आ गए हैं और आप परेशान हैं या गणेश जी की मूर्ति टूटी हुई है और आप स्वप्न में देखनी है, देखिए आपका अच्छा तो अच्छा ही, अगर बुरा देखने जैसे चीज़ों को देखेंगे। भगवान का अगर स्वरूप पूर्ण है, भगवान अगर खंडित नहीं है तो आपके कार्यों में पूर्णता होगी। अगर भगवान की मूर्ति खंडित है तो आपके जो भी कार्य हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसमें और बढ़ोतरी होगी। कष्ट, रोग, बीमारी, चोट चपेट, दुर्घटना, मुकदमा जैसे कई चीज़ों को यह दावत देने वाला है। इसलिए जब भी आप प्रातःकालीन, मतलब आप जो है सुबह में उठने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्वप्न देखते हैं, गणेश जी का टूटा हुआ प्रतिमा देखते हैं, आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो उसका निराकरण करेंगे। अगर शरीर में रोग हो गया तो दवा लेनी पड़ेगी ना, बात करने से तो होगा नहीं। उसी प्रकार आपने खंडित भगवान को देख लिया है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, इससे बचने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। प्रातःकालीन स्नानादि से निवृत्त होकर, मतलब सुबह में शौच आदि से निवृत्त होने के बाद, आप स्नान ध्यान करने के बाद आप जो है
महामृत्युंजय के मंत्रों का या लघु महामृत्युंजय मंत्र जो है ओम जुंगश, इसका आप जप करें। और जो है जब स्वप्न देखें अगर आपको याद आ जाता है तो उसी समय पूरब की तरफ बैठकर इस मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मंत्र क्या है कि लंका के किनारे एक कुक्कुट नामक एक ब्राह्मण रहते थे, उन्हें श्राप मिला था कि जब भी कोई खराब सपना देखेगा, जब भी कोई बुरा सपना देखेगा, जब भी कोई भी स्वप्न में नकारात्मक चीज़ों को देखेगा, जैसे मरा हुआ, जला हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ कोई भी चीज़ अगर देखता है तो हमारे शास्त्र में वर्णित है कि इनका नाम लेने पे यह जो है जो भी दुः स्वप्न में, मतलब दुः मैंने खराब स्वप्न है, वह शुभ स्वप्न में बदल जाता है, मतलब अच्छे स्वप्न में बदल जाता है। आपको करना क्या है, प्रातःकालीन उठते हुए इस मंत्र को पढ़ना है कि लंकायाह दक्षिणे कोणे, क्या है कि लंकायाह दक्षिणे कोणे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण कुस्वप्नो सुस्वप्नो भवेत। मतलब लंका के किनारे एक कुक्कुट नामक एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम लेने से कुस्वप्न जो है वह सुस्वप्न में बदल जाता है। तो प्रातःकालीन इस मंत्र को पढ़ें जिस दिन स्वप्न देखते हैं, उसके बाद जाकर स्नानादि शौचादि से निवृत्त होकर आप जो है शुद्ध गंगाजल डालकर काला तिल डालकर आप स्नान करें, और स्नान करने के बाद आके अपनी पूजा स्थली पर आप शिव अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका पाठ जरूर करें, और ध्यान रहे जिस बिस्तर पे आप सोए हैं उसका बेडशीट जरूर चेंज कर दें, जो वस्त्र पहने हैं उसे दोबारा न पहने, उसको साफ सुथरा करने के बाद आगे बढ़ें। अगर आप यह करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको आपने स्वप्न देखा और वैसी मूर्ति दिखाई दी, या आप प्रयास करें कि आपने खंडित भी देखा है, तो आप पूर्णता के साथ एक मूर्ति जो है वह उस भगवान की खरीदे जिस भगवान का आपने देखा है, और प्रयास करें उस मूर्ति के साथ जी उस भगवान को जो पसंद है, जैसे गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक अच्छे से आप सजाकर और उसमें आप कांडा जिसे बोलते हैं जिसे दुर्वा रख कर आप जो है निश्चित रूप से आप जाके गणेश जी के मंदिर में आप अपनी भावना से, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपको भगवान को अपने मन से चढ़ाना है कि मैंने स्वप्न में देखा है और मेरे स्वप्न को कुस्वप्न को सुस्वप्न बदलिए और हमको आशीर्वाद दीजिए। भगवान खूब सुनते हैं, सुनाने की ज़रूरत है, आप ले जाकर भगवान के दरबार में रखें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका काम बनने लगेगा। अगर आपको गणेश जी का मंत्र याद है तो निश्चित रूप से गणेश जी के मंत्र का भी, चूँकि प्रथम जो देवता हैं हमारे गणपति हैं और इनकी आराधना अभ्यर्चना पूजा पाठ जो निश्चित रूप से जीवन में लाभ देता है। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि पूजा पाठ से लाभ नहीं मिलता है। देखिए आपने आपके एटीएम में, मतलब आपके अकाउंट में पैसा है, आप जो है अपना कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, केवल बैंक आपको कार्ड दे देगा और जाके एटीएम में लगाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपको संचित पुण्य की ज़रूरत है, आपको पहले उपाय करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे आपका डेबिट क्रेडिट सब होगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आप सब यूँ ही बने रहें। अगर आपको किसी वीडियोस की ज़रूरत है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियोस आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आएँ और आप लिखें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिया जाएगा। आप सब यूँ ही बने रहें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में और भी ज्वलंत मुद्दों के साथ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।